स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, यहां उन्होंने ओलंपिक में धमाल मचाने वाली हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया से मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी वंदना कटारिया के घर पहुंचकर उनको शुभकामनाएं दी। सीएम ने वंदना के परिवार से मुलाकात कर बधाई दी और 25 लाख रुपए का चेक इनाम के तौर पर दिया। आपको बता दें कि हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक लगाई थी, जिसके बाद हर तरफ उनकी जमकर तारीफ हो रही थी। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सीएम हरिद्वार पहुंचे, जहां हरिद्वार में उन्होंने वंदना कटारिया हैट्रिक गर्ल से मुलाकात की, साथ ही साथ उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मतलब अपने इतने बिजी टाइम से निकल के वो यहाँ पे आए, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो मतलब मैं चाहती थी कि मुझे वो मान सम्मान मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा मान सम्मान किया है। लक्सर के खानपुर इलाके के दल्लावाला गांव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला का शिलान्यास किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस दौरान बीजेपी के कई शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने 3,50,00,000 की लागत से बनने वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके अलावा 4 नलकूप जिनकी लागत लगभग 2,54,00,000 रुपए है, उनका भी शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं हो रही है, सरकार के पास सीमित संसाधन है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम भारत के चित्र में सबसे पहले हो। तो 3,50,00,000 की लागत से बना राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया है। हमने कहा है हम जब बुलाए जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है, हमने कहा है कि जो घटे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसके अध्यक्ष और उसके विज्ञापन होगा 15 अगस्त के बाद। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता एवं सोमेश्वर से पूर्व विधायक प्रत्याशी राजेंद्र बराकोटी ने कहा कि दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले मंत्री के पति पर कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। इससे साफ होता है कि बीजेपी की सरकार मंत्री के पति को गिरफ्तारी से बचा रही है। उन्होंने उनकी जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ बरेली में जैन दंपत्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद वो फरार है। लेकिन खुद को मर्यादित व जीरो टॉलरेंस की सरकार बताने वाली सरकार अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मर्यादित पार्टी है तो रेखा आर्य को तुरंत मंत्री के पद से हटाकर आरोपी की गिरफ्तारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो कांग्रेस सरकार पर आंदोलन करने को बाध्य होगी। और मर्यादित पार्टी सरकार है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे मर्यादित पार्टी की सरकार जिस मंत्री का पति पर डबल मर्डर का केस हो, वो खुलेआम घूम रहा हो और गैर जमानती वारंट हो, जिसको माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, वो अभी तक संज्ञान उस पर नहीं ले रही है सरकार। और मैं तो निवेदन करता हूँ उस सरकार से कि माननीय जो मंत्री है, अगर नैतिकता सरकार पर है, अगर मर्यादित सरकार है तो निश्चित रूप से मंत्री से इस्तीफा लेकर के ये जताना चाहिए कि हम बिल्कुल स्वच्छ प्रशासन दे रहे हैं। स्वच्छ विकासनगर तहसील परिसर में उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय संयोजक सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से राज्य का शोषण किया है। जिस उद्देश्य के लिए ये राज्य बना था वो उद्देश्य आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तराखंड राज्य बने 21 वर्ष हो गए हैं, लेकिन खेद का विषय है कि हमारे राज्य का कोई ठोस सशक्त भू कानून अभी तक नहीं बन पाया। लेकिन 2018 में भाजपा सरकार ने उत्तराखंड का भू कानून को इतना लचर बना दिया है कि बाहरी राज्यों के भू स्वामियों को खुली छूट दे दी गई है। तो सरकार के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल
प्रदर्शन के लिए उतरा। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गया है उत्तराखंड। उन्होंने संबोधित सीएम के नाम एक डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने 2018 में भाजपा सरकार पर उत्तराखंड का भू कानून पर लचर होने का आरोप लगाया है। हमारे कई मामले सामने आ रखे हैं। सबसे बड़ा मामला है भू कानून का, दूसरा मामला है जितने आंदोलनकारी थे उतने आंदोलनकारी जो चिन्हित नहीं हुए वो चिन्हित होने चाहिए, तीसरा मामला है पलायन रोकना, चौथा मामला है कि जितने बच्चे हमारे आरक्षण में ले जा सकते हैं या जो आश्रित बच्चे हैं उनको उनकी नौकरी दी जाए। उनका ये मामला बहुत लंबा थोड़ा जा रहा है, बच्चे अगर छूट जाएंगे तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी हम लोगों के लिए। हमारा ये कहना है कि पहाड़ को ऐसगाना बनाया जाए, सीधा हमारा ये। दूसरी बात हमारा ये है कि जो भू कानून बना था पंडित नारायण तिवारी जी के टाइम पे 500 वर्ग मीटर का बना था, उसके बाद में माननीय हमारे खंडूरी जी की सरकार आई, उसमें हमारा भी भागीदारी थी उत्तराखंड क्रांति दल के, हमारे माननीय दिवाकर भट्ट जी उस समय ये राजस्व मंत्री थे, तो उन्होंने 500 को घटाकर 250 कर दिया था, 250 वर्ग मीटर कर दिया था। और उसके बाद में जब निशंक की सरकार आती है भाजपा की, तो उसको ओपन खोल देती है पूरे भारत के लिए कि जो मर्जी आके यहाँ। आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि बाहर का आदमी यहाँ ना तो जमीन खरीदे और बाहर का आदमी ना आके यहाँ नौकरी पे लगे। जिला सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर 3 अगस्त से हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि 7वें वेतनमान का लाभ और कर्मचारियों को विभागीय संविदा में समायोजित करने जैसे अहम मांगों को लेकर जिला सैनिक कल्याण के कर्मचारी 8वें दिन भी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। हाँ सर, 2 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो जो है 7वां वेतन मान का लाभ दिया जाए, दूसरा जो है विभागीय नियमितीकरण किया जाए। हमारे सैनिक कल्याण विभाग में जितने भी अधिकारी और नियमित कर्मचारी हैं उनको 7वां वेतन मान का लाभ जो है काफ़ी पहले दिया जा चुका है, लेकिन हमें जो है वंचित किया गया है। यहाँ एक ओर जो है प्रदेश में महामहिम प्रधानमंत्री जी की ओर से सैन्य धाम 5वां धाम का निर्माण किया जा रहा है, वहीं जो है हमारे प्रदेश में सैनिकों की जो है पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा इस धरा को हरा भरा बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है। उत्तराखंड में वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी के जन्मदिन को आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर में मनाया गया। इस दौरान परिसर में 15 तरीके की औषधीय पौधों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कार्यक्रम प्रकृति प्रेमी हरीश चंद्र सोनी और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पारुल अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। प्रकृति प्रेमी हरीश चंद्र सोनी ने कहा कि हमारा जीवन तभी सुरक्षित रह सकता है जब हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे और अधिक से अधिक पौधा रोपण करेंगे। इस पृथ्वी पर हमारी यादें पेड़ पौधों के रूप में रहे, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सेवा इस धारा के लिए होगी। ये बड़ी दुख की बात हो रही है कि हम आज इसको जो है कि वन विभाग के पास सौंप रहे हैं, कि जहाँ कि अपने समकक्ष जानवरों के साथ रहें और आगे बढ़े और बच्चे की तरह इसको पाल रखा है। आज 17 महीने और 7 दिन इसको हो चुके हैं। 2004 मार्च को लाए थे और आज अगस्त 11 तारीख हो गई है, तो 17 महीने 4 दिन इसको हो गए हैं, 7 दिन इसको हमारे पास हो गया है और बच्चे की तरह हमारे पास रहता है, हमारे साथ सोता है, उड़ता है, बैठता है, खाता है। सर, हमें श्री दर्शनलाल पुत्र रविलाल क्रांति की ओर हमने अवगत किया है कि पिछले साल 2020 में मार्च उनके घर वाली कहाँ से ले गई थी बंगलौर में और वहाँ से उनके छोटे से घोड़े का बच्चा मिला, उससे वो घर लाए जहाँ पर उन्होंने लालन पालन किया और लालन पालन करने के बाद लगभग 1.5 वर्ष का इस समय हो गया है और हमने अपने उच्च अधिकारी के संबंध में बात की है। हमारे उच्च अधिकारी ने कहा कि उसको छोड़ने के लिए हम कार्रवाई वहाँ ये जुर्म करेगी या देहरादून पार करेगी या नैनीताल भेजने की कार्रवाई उसके करेंगे।
चमोली के केवर गांव में रहने वाले दर्शन लाल और उनकी पत्नी उमा देवी पिछले 18 महीनों से हिरण के बच्चे को पाल रहे हैं, जो अब काफी बड़ा हो चुका है। अब इस हिरण को इन दोनों लोगों ने वन विभाग को सौंपने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 4 मार्च 2020 को दर्शन कला की पत्नी उमा देवी जंगलों में चारा लेने गई थी, तभी उनको हिरण के बच्चे का पड़ा हुआ मिला, जिसे उन्होंने घर लाकर उसका रखरखाव किया। सितारगंज किच्चा हाईवे पर बरी गांव के गुरुद्वारा साहिब में 2018-19 में विधायक निधि द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसका 2 साल बाद उत्तराखंड उद्घाटन करने पहुंचे सितारगंज के भाजपा विधायक सौरभ बहुगुणा को किसान आंदोलन के चलते किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा के पहुंचने की जानकारी जैसे ही किसानों को हुई, उन्होंने मौके पर पहुंचकर विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। किसानों की जीत है, बरी फार्म के जो गांव वाले हैं उनकी जीत है। जब पूरी कमेटी ने कह दिया था कि वहां पे उद्घाटन नहीं होने देना, विधायक जी को नहीं आना चाहिए, प्रशासन को तंग नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके चमचों ने गलत सूचना देके और उनको ये मजबूर किया आने पे। आप बल्कि विधायक सबके हैं, अगर आए थे तो उनको किसानों की भी समस्या सुननी चाहिए थी। हम वादा करते हैं जहाँ पे भी बीजेपी विधायकों के प्रोग्राम होंगे, किसान यूनियन पुरजोर, हर घर नल हर घर जल और जल जीवन मिशन जैसे स्लोगनों के बावजूद नारायण बगट प्रखंड मुख्यालय के पास के केवर गांव में पिछले 1 महीने से ग्रामीणों को पानी पीने का नहीं मिल रहा है। गांव में जल संस्थान की बकायदा पानी की लाइन बिछी हुई है, जिसका बिल भी ग्रामीण भरते हैं, लेकिन सब पाइपों में पिछले 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को पानी की काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन जल विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। ग्रामीणों को कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं ग्रामीण, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों को जो पानी इधर उधर से मिलता है वो भी गंदा होता है, जिससे बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। प्लान तो की थी हमने, पर हमारे पानी कितने विकल्पों का प्लान की, पर पानी नहीं आ रहा। नए लहने बिछाई गई पर फिर भी पानी नहीं आया। बारिश के पानी से हम काम चला रहे हैं, पीने के लिए भी वही कर रहे हैं, यहाँ तो पानी नहीं आ रहा। इसी चीज़ से हम परेशान। इन लड़कों के मतलब वहाँ कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने वहाँ से 200 मीटर करीब पाइप दी, जो पाइप की इन लोगों ने लगाई। उसके बाद आज तक कम से कम 1 महीना हो गया, हम लोग पानी के बिना बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हम छतों के पानी का जुगाड़ करके किसी प्रकार से बारिश पर निर्धारित हैं, वही पानी हम बारिश से टांगते हैं और उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। भारत में 2 मुंह वाले सांप की अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। इस सांप की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। ज्यादा कीमत होने की वजह से ये सांप की ये प्रजाति हमेशा चर्चा में रहती है। लंधा रोड स्थित स्टोन फैक्ट्री में इस सांप के निकलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू कर मालसी डियर मा पार्क में छोड़ दिया। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एक स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे हम भारतीय नाग और नाजा नाजा के नाम से भी जाना जाता है। ये वन क्षेत्र अधिकारी एडी सिद्दीकी के आदेश अनुसार मैंने लांगा रोड से एक कंपनी है लाइस्टोन, उससे मैंने ये रेस्क्यू किया है। कब किया ये? ये करीबन 8:30 बजे सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली मजदूर गांव में आरपीएफ टीम ने छापेमारी की। आरपीएफ ने पॉल ऑनलाइन सॉल्यूशन व मनी ट्रांसफर की दुकान पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक पिछले काफी दिनों से रेलवे टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद से कार्रवाई की गई। दुकान से छापेमारी के दौरान आरपीएफ ने दुकान से 6 ई-टिकट बरामद किए हैं। दुकान में मिले टिकट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो एक ई टिकट की दुकान पर छापेमारी की गई है। फर्जीवाड़े की शिकायत जब अधिकारियों को मिली तो उन्होंने आरपीएफ की टीम ने तत्काल प्रभाव से छापेमारी करी और इस दुकान पर टिकट मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पाठ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी। We'll be right back.